वेलकम बैक टू मनी ब्लॉग। आज हम मंडे और आज हमारे कॉलेज में आने वाली है श्रद्धा दीदी। क्या आप जानते हो उन्हें? नहीं तो पता है, वो यूट्यूब पे एक इतनी बड़ी शख्सियत हो चुकी हैं, जीरो से स्टार्ट की थी, आज हीरो हो चुकी हैं। वो हैं अपना कॉलेज की फाउंडर श्रद्धा दीदी। तो आज हमारे कॉलेज में वो आने वाली है शाम के लगभग 4:30 बजे के लमसम। तो आ जाएंगी तो उन्हीं से मिलने हम लोग जाएंगे। मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है जाने के लिए। पहले तो क्लासेस करनी है, रो हर डे की तरह क्लासेस तो रहती ही हैं, पहले क्लासेस कर लेते हैं, उसके बाद अपना कॉलेज वाली दीदी से भी मिला जाएगा और मिलने के बाद आप लोग को दिखाते हैं कैसा क्या हुआ। अंदर भी उसी हवाले से यूथ फेस्ट मन रहा है, सुकून होप टू लिव जो कि ऑर्गेनाइज हो रहा है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन OSS अंडर द एजेस ऑफ डिवीजन ऑफ यूथ अफेयर्स स्टूडेंट वेलफेयर विंग लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के हवाले से आप सबके बीच। जैसे ही दीदी एंट्री करेंगी आप सारे लोग खड़े होकर स्वागत करेंगे उनका, और मुझे आदेश आ चुका है कि दीदी बस 30 से 40 सेकंड के बीच आप सबके मध्य होंगी। तो आप सारे लोग अपना फ़ोन कैमरा जो भी अगर आपको रिकॉर्ड करना है, आपकी एनर्जी आपकी ऊर्जा बनी रहनी चाहिए। मैं आप सबसे फिर जानना चाहूँगा क्या आप सारे लोग श्रद्धा दीदी के लिए एक्साइटेड है? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपका शोर मुझे फिर भी कम लगा श्रद्धा दीदी को भी एनर्जी आपकी महसूस हो रही है। हेलो, बुके देकर वेलकम करे, स्वागत करे जो कि को फाउंडर अपना कॉलेज के, एक बार आप सबकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा कि लैंप लाइटिंग के लिए ऊपर आए और आप सारे लोग जोरदार तालियां बजाते रहे। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतना खूबसूरत सा इवेंट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन OSS के द्वारा आयोजित आप सबके बीच हो रहा है, स्पॉन्सर्ड बाई मेंट्रो, और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना खूबसूरत इवेंट आप सबके लिए सजाया है। इसमें विशेषकर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बोस का, जयदीप का, अर्पिता का और सुधांशु का, और मैं बोस और जयदीप से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी लैंप लाइटिंग के लिए ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच दीदी। अब मैं बिना किसी देरी के, मैं बिल्कुल भी आप सबका समय जाया नहीं करूंगा, और हमारी जो आज की गेस्ट स्पीकर है श्रद्धा दीदी आप सबके बीच में आ चुकी है। तो मैं बिना किसी देरी के अपना कॉलेज की को फाउंडर जिनके 3 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है, मैं चाहूंगा तो एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाए। होती है एक साथ जब भी पंजाब के किसी कॉलेज में जाते हैं, एंड आज मैं फर्स्ट टाइम LPO Q&A होते हैं स्टूडेंट्स के, उनको एड्रेस करने होते हैं मेरे सेशन में। तो हाय, मेरा नाम है श्रद्धा खापरा। मेरी जो जर्नी की शुरुआत हुई थी वो हरियाणा के एक गांव से हुई थी, एंड शुरू से बिल्कुल शुरू करूँ तो 11वीं क्लास से हुई थी। तो हमारे यहाँ यूजुअली ऐसा होता है कि 11th में जब स्ट्रीम चूज करनी होती है, तो क्योंकि मेरे पेरेंट्स थोड़े से हरियाणा के बैकग्राउंड से थे, तो हमारे यहाँ हर लड़की जो है मोस्टली टीचिंग लाइन में जाती है, एंड लड़कों के लिए होता है कि सरकारी नौकरी उनको करनी है, तो ये थोड़ा सा फिक्स्ड होता है हमारे यहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि नहीं, मुझे तो मेडिकल परस्यू करनी है, मुझे तो साइंस करनी है। तो फिर उन्होंने थोड़े बहुत बहसबाजी के बाद मुझे थोड़ा सा कोचिंग दिलवाया मेडिकल के अंदर, एंड मैंने जो सब्जेक्ट्स के साथ स्टार्ट किया वो PCMB थे। तो
धीरे धीरे पता चला कि अपने ही पैर पे थोड़ा सा कुल्हाड़ी मार रहे हैं पीसीएम जिले के, एंड उसके बाद सोचा कि मेडिकल तो नहीं हो पाएगी, तो उसके बाद मैंने जेई में शिफ्ट किया एंड जेई की कोचिंग के साथ स्टार्ट किया। तो आईआईटी खैर क्योंकि मैंने 4-5 महीने शुरुआत में मेडिकल का ही बहुत क्रेज था मेरे अंदर, तो आईआईटी क्या होता है वो मुझे बारहवीं में आके पता चला था। इवन दो तैयारी मैं इंजीनियरिंग की कर रही थी, तो इस तरीके का कुछ सिस्टम था हमारे गांव में, कोई उससे पहले इंजीनियर नहीं हुआ करता था, ना कोई फैमिली में आसपास होता था। तो जब मेरी ब्रांचेस फिल करने का भी टाइम आया ना, जब जोसा के अंदर जैक के अंदर ब्रांचेस फिल करते हैं, तो बस ये पता था, थोड़ा बहुत आइडिया था कि कंप्यूटर साइंस में थोड़ी प्लेसमेंट ठीक होती है तो ऊपर कंप्यूटर साइंस भरना चाहिए। ये भी नहीं पता था कि कंप्यूटर साइंस आईटी सिमिलर होते हैं या उसमें भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसी चीज़ें होती हैं। तो ऊपर मैंने भरा कंप्यूटर साइंस, उसके बाद मैंने भरा मैकेनिकल, उसके बाद मतलब सिविल, इस तरीके से चॉइसेस भरी। ना आइडिया था कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी कुछ ब्रांचेस होती हैं, तो थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज के साथ ही कॉलेज की मेरी शुरुआत हुई थी। एंड कोडिंग के साथ फर्स्ट टाइम मेरा इंटरेक्शन हुआ था 11th क्लास में, जब मैंने बायो से कंप्यूटर साइंस में शिफ्ट किया था। 11th 12th में हमने C++ में कोड किया था, बट एक बार भी लैपटॉप के ऊपर कोड नहीं किया था, कंप्यूटर के ऊपर कोड नहीं किया था। जितनी कोडिंग सीखी बोर्ड्स के लिए वो सारी पेपर पेन पे हुई थी। तो वैसे ही थोड़ी सी शुरुआत हुई थी, जिस तरीके के बैकग्राउंड से आते थे वहाँ से। अच्छा वैसे आप लोगों में से फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स कितने हैं? सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स कितने हैं? सेकेंड ईयर वालों में जोश थोड़ा कम है। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स कितने हैं? एंड फोर्थ ईयर्स? फोर्थ ईयर्स यूजुअली अपनी प्लेसमेंट में बिजी होते हैं। अच्छा सेमिनार में हम यूजुअली क्या करते हैं, कॉलेजेस के अंदर एक छोटा सा हम टेस्ट करते हैं ये चेक करने के लिए कि कौन से कॉलेज की एनर्जी हाई होती है। तो आज तक मैं जिन सेमिनार्स को लेके आई हूँ उसमें से मैंने जो एक्सपीरियंस किया है पर्सनली वो था थापर कॉलेज, जिनकी एनर्जी मुझे थोड़ी सी हाई लगी। एंड यूजुअली पंजाब वाले कॉलेजेस की होती है एनर्जी हाई। तो हम क्या करेंगे, छोटी सी हम एक्टिविटी करने वाले हैं जिसमें मैं 1 से लेके 10 तक काउंट करूँगी, ठीक है? और 1 पे हमें दिखानी है अपनी 1 वाली एनर्जी, और 10 पे हमें दिखानी है अपनी 10 वाली एनर्जी, जिसमें सीटें उखड़ जानी चाहिए और करें स्टार्ट करें 1 हाँ। तो जैसे तैसे थोड़े से सपने, हमने भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखी थी, तो थोड़े से सपने लेके हम भी कॉलेज के अंदर आए थे। अब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो सकता है यहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ना हो, तो मैं बता रही हूँ इंजीनियरिंग की जर्नी ठीक है कैसी होने वाली है। उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि अच्छा प्लेसमेंट्स भी होती हैं। अच्छा जब भी कोई बच्चा आता है ना कॉलेज के अंदर, जेई के बच्चों की स्पेशल कहानी है, हर कोई पहला जो हफ्ता होता है ना कॉलेज के अंदर थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा रिग्रेट से भरा होता है, दुख से भरा होता है। किसी बच्चे का दुख होता है मेरा सरकारी कॉलेज में नहीं हुआ, किसी बच्चे का दुख होता है मेरा आईआईटी में नहीं हुआ, आईआईटी बॉम्बे सीएससी वालों का दुख होगा मेरी रैंक 1 नहीं आई। तो जेई में पता नहीं दुख बहुत ज़्यादा होता है सारे बच्चों को शुरू के एक हफ्ते तक। तो पहला जो हमारा सेमेस्टर होता है वो तो थोड़ा दुख से उभरने में ही लग जाता है, फिर थोड़ा कोई आके बताता है कि प्लेसमेंट जैसी चीज़ें भी होती हैं, फिर पैकेजेस इधर उधर से सुनने को मिलते हैं। तो फर्स्ट ईयर में हम अपने स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि अब तो इंटरनेशनल निकलेगा हमारा भी 1.5 करोड़ का 2 करोड़ का 2 करोड़ का। एंड मेरे साथ भी यही हुआ था, और हमारे कॉलेज में कुछ ऐसा था कि हमसे जो 2 साल सीनियर बैच थे उनमें से कुछ 7-8 बच्चों की गूगल इंटरनेशनल लगी थी, और वो बहुत एक्सेप्शनल फिनोमिना था उस कॉलेज के लिए। तो हमें तो लगा यही यहाँ का नॉर्मल है, तो हमने भी वैसे ही स्टैंडर्ड सेट कर लिए कि हम यही करना है अब लाइफ में। 3-4 हॉस्टल की लड़कियाँ मिलती बैठती CSIT के, हम वैसे ही बच्चे थे, काफ़ी ज़्यादा घिस्सू थे, तो वही चीज़ें हमने शुरू कर दिया करना।
उसके बाद फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर तक आते आते ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में स्टैंडर्ड तो हम सेट कर लेते हैं वो पैकेजेस का, बट करते हम सोसाइटीज हैं। तो मैंने भी दो तीन सोसाइटीज में जाके जो है पार्टिसिपेट किया। उसके बाद सेकंड ईयर तक आते आते थोड़ा सा रियलिटी सेट इन होती है कि ठीक है कोई नहीं, इंटरनेशनली नेशनल में बहुत बढ़िया निकाल लेंगे हम तो, फैन मैन तक पहुंचेंगे। तो सेकंड ईयर तक आके उतना हम एडजस्ट करने को थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं। फिर थर्ड ईयर आता है, फिर थर्ड ईयर में यूजुअली इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है, तो दोस्त की लगनी शुरू होती है तो दुख होता है, फिर दूसरे दोस्त की। फोर्थ ईयर तक आते आते मतलब मैक्सिमम बैच, मेरे तो एटलीस्ट मेरे मैक्सिमम बैच का यही था कि बस लग जाए, ठीक है मैं खुश हूँ बस लग जाए, फिर बाद में देखेंगे। अच्छा तो मेरी भी शुरुआत वैसे ही हुई, मैंने स्टार्ट किया था वेब डेवलपमेंट के साथ फर्स्ट ईयर में। उसके बाद सेकेंड ईयर में हमारे यहाँ एक टेस्ट आया, व्हाट्सएप लिंक आया टेस्ट का माइक्रोसॉफ्ट के लिए। तो उस टाइम पे मैं कोड करती थी, जावा के अंदर कोड करना स्टार्ट कर दिया था। C++ से जावा का शिफ्ट बहुत इंटरेस्टिंग होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो मैक्सिमम कोडिंग करते हैं वो मेरे से सवाल पूछते हैं कि C++ से जावा में कैसे शिफ्ट करें, जावा तो बड़ी लंबी लैंग्वेज बोरिंग लैंग्वेज है कैसे करें। तो मेरे तो खैर कॉलेज में सब्जेक्ट था और मुझे आसान लगी तो मैंने जावा में शिफ्ट कर लिया। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के कोडिंग टेस्ट का लिंक आया था, वो टेस्ट दिया। उसके बाद एक हैकाथॉन था जिसके लिए इनविटेशन आया हैदराबाद के अंदर। तो माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद का जो मेन कैंपस है, काफ़ी सुंदर सा कैंपस है, उधर हमारा हैकाथॉन हुआ। और वहाँ जब हम पहुँचे थे ना, तो वहाँ सारे बच्चे आए हुए थे, कोई IIT का आया हुआ था, IIT बॉम्बे से है, कोई IIT रूटी देखने को मिलती है। पर एक वो जो VIP ट्रीटमेंट होता है ना, वो मिलता है इंटर्न्स को जो अच्छे पैकेजेस पे जाते हैं कंपनीज के अंदर। फुल टाइम एम्प्लॉयज़ का मैं सेम नहीं कह रही, वो एक्सपेक्टेशन वैसी सेट की जाती है। तो मेरा भी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। फिर वहाँ से रिटर्न इंटर्नशिप का ऑफर आया, फिर सेकंड इंटर्नशिप की। तब तक तो कोविड आ गया था। अब कोविड आ गया था, मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, तो उस टाइम पे आई गॉट एन इन्विटेशन टू कम फॉर एन इंटरव्यू ऑनलाइन, एंड अमन सर इन्वाइटेड मी। तो हमारा जो फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ था वो एक इंटरव्यू के थ्रू हुआ था, जिसमें मैंने अपना माइक्रोसॉफ्ट का एक्सपीरियंस शेयर किया था। एंड उसके बाद तब तक उन्होंने अपनी कक्षा के ऊपर काफ़ी काम कर रखा था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे स्कूल के जो बेनिफिट हो रहे थे, काफ़ी सारे बच्चे थे जो फ्री में जो JEE की नीट की बोर्ड्स की चीज़ें थी वो एक्सेस कर पा रहे थे। एंड उसके बाद बाद में हमें पता चला कि क्यों ना हम कुछ ऐसा कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए रेप्लिकेट करें, क्योंकि कॉलेज में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो शायद स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, जो शायद उतने अच्छी क्वालिटी में प्रीमियम क्वालिटी में उनको एक्सेसिबल नहीं होती। तो दैट इज़ हाउ अपना कॉलेज स्टार्टेड। एंड उसके बाद धीरे धीरे पहले C++ पढ़ाना शुरू किया। उस टाइम पे इंटर्नशिप चल रही थी, मेरा फोर्थ ईयर आ गया था, मेरा PPO का इंटरव्यू भी हो गया था, फिर ऑफर लेटर भी आ गया था माइक्रोसॉफ्ट का। बट साथ के साथ आई स्टार्टेड टीचिंग, फिर कुछ थियोरी सब्जेक्ट्स के नोट्स वगैरह शेयर किए गए, फिर जावा पढ़ाया गया साथ के साथ, पाइथन सी, काफ़ी सारी चीज़ें हमने स्टूडेंट्स को देने की कोशिश की। एंड बहुत ही मज़ा आया मुझे तो फ्रैंकली टीचिंग के अंदर। मुझे नहीं पता था कि मतलब जैसे शुरुआत नेशनल एक स्टूडेंट ने निकाला था, तो जब ऐसे स्टूडेंट से बात होती है और उनके मैसेजेस दिखते हैं, कॉमेंट्स दिखते हैं, तो वो खुशी मिलती है जो शायद दुनिया का कोई ऑफर लेटर आपको दे नहीं सकता। तो वो चीज़ टाइम के साथ धीरे धीरे रियलाइज़ हुई। एंड उसी के साथ में मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ, मेरा फुल टाइम जॉब स्टार्ट हुआ, एंड दोनों चीज़ों को बैलेंस करना सा थोड़ा सा मुश्किल हुआ। तो थोड़ा सा घर पे बात की गई एंड डिसीजन लेना था फिर कि एक चीज़ को चूज़ किया जाए। तो आई डिसाइडेड टू क्विट माई जॉब एट माइक्रोसॉफ्ट। एंड ये जो पूरा डिसीजन था, इसमें सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था पेरेंट्स को कन्विंस करना, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो हम लोग अभी भी हरियाणा के गांव में ही रहते हैं, तो मेरे पेरेंट्स तो अपने आसपास वही चीज़ें देखते हैं। तो हमारे लिए तो ठीक है टॉप कंपनीज में हो जाए वो ठीक है, उसको वेल सेटल करियर मानते हैं। एंड उसके बाद उनका प्लान ये था कि 2 साल जॉब करके सीधा फिर UPSC की प्रिपरेशन करा लें, जो हर पेरेंट का सपना होता है। वैसे तो मतलब काफ़ी ज़्यादा उनके साथ थोड़ी बहुत हुई, एंड फिर धीरे धीरे उनको समझाया गया, क्योंकि पेरेंट्स एक दिन क्या चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि आप स्टेबल रहो, आप खुश रहो, आप अपने पैरों पे खड़े रहो, इससे ज़्यादा उनकी कोई डिमांड नहीं है। और धीरे धीरे अगर आप उनको दिखा देते हो कि मैं खुश हूँ जो काम मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड उसमें मैं करियर बना सकती हूँ, मैं थोड़ा सा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी पर कम्प्लीटली ही डिपेंडेंट हो जाऊँगी, तो उस
टाइम पे अगर आप अपनी सच में थोड़ा सा शेयर करते हो ओपननेस के साथ तो पेरेंट्स मान जाते हैं, तो उन्हें भी फाइनली मानना पड़ा। एंड वैसे तो वो आज भी रियलिटी चेक थोड़ा सा देती थी, वैसे तो वो आज भी कहते हैं कि बेटा आपका हो गया हो तो आप क्विट करके आप यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो तो नेशनल हॉबी है आईएएस आईपीएस, वो तो इंडियन पेरेंट्स को कराना ही होता है। बट ठीक है, टाइम के साथ धीरे धीरे वो भी थोड़ा सा सेम पेज पे आने लगे। देन आई क्विट माइक्रोसॉफ्ट एंड फिर फुल टाइम हमने अपना कॉलेज के साथ स्टार्ट किया और कुछ कुछ नई सीरीज लेकर आए। फिर वी स्टार्टेड विद अल्फा, तो अल्फा को हमने लॉन्च किया एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का बहुत सारा प्यार और सपोर्ट मिला। एंड उसके बाद पहले तो खैर सिर्फ वीडियोस के थ्रू इंटरेक्ट करते थे, अब थोड़ा सा लाइव सेशंस के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है स्टूडेंट्स के साथ बात करने में। एंड नए नए जो है नए नए तरीके के स्टूडेंट्स मिलते हैं, जैसे जब हमने अपना कॉलेज का स्टार्ट किया था तो हमें लगा था कि हम कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, और कॉलेज स्टूडेंट्स में भी मोस्टली हमने सोचा था कि बीटेक के बच्चे ही होंगे कंप्यूटर साइंस के जो पढ़ना चाहेंगे कोडिंग वगैरह। बट हमें ऐसे ही मेल्स आते हैं कि मैं 13 साल की बच्ची हूँ, मैं स्कूल के अंदर पढ़ रही हूँ और मैं कोडिंग करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे स्टार्ट करूँ, मैंने आपकी पाइथन की वीडियो देखी, अब इसके आगे मुझे क्या करना चाहिए। या फिर एक ऐसा मेल आता है कि मैं 35 इयर्स की हूँ, मैंने अपना करियर क्विट किया था, तो अभी मैं दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहती हूँ, तो मैं टेक इंडस्ट्री के अंदर एंटर करना चाहती हूँ। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स बीटेक से तो हैं पर बीसीए से, बीए से, बीकॉम से, बीएससी से, इतनी सारी ब्रांचेस से लोग हैं जो आज टेक्नोलॉजी के अंदर इंटरेस्टेड हैं। और इतने सारे लोगों को जब आप देखते हो ना तो आपको एक्चुअली फील होता है कि हाँ यहाँ पे इम्पैक्ट लाया जा सकता है, इतने सारे स्टूडेंट्स को रीच किया जा सकता है, उन्हें किसी ना किसी तरीके से जोड़ा जा सकता है, एंड वो चीज़ करने में रोज खुशी मिलती है। तो हमने स्टार्ट किया था अपना कॉलेज को वही 0 सब्सक्राइबर्स के साथ, एंड करेंटली वी स्टैंड एट 3.29 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फॉर द मोर देन द लास्ट 6 मंथ्स वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग कोडिंग चैनल इन इंडिया। तो हर महीने जब इतने सारे स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स जुड़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, हमें पता चलता है कि अच्छा ठीक है अब और कोई नया स्टूडेंट आएगा जिसको शायद टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नया सीखने को मिलेगा, या वो भी अपना इंटरेस्ट एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हुई एंड नाउ आई एम स्टैंडिंग हियर। अच्छा, लाइफ के अंदर ना एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, जैसे अगर हम अपने फोर फादर से, अपने पूर्वजों से खुद को कंपेयर करें, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि वहाँ पे उस टाइम पे 100 साल पहले, 50 साल पहले, 150 साल पहले अपॉर्चुनिटीज काफ़ी कम थी, प्राइवेट में जॉब्स उतनी होती नहीं थी, गवर्नमेंट एग्जाम्स होता था तो उस टाइम पे लोग इतना पढ़ते ही नहीं थे कि उन्हें पता हो कि गवर्नमेंट में किस किस तरीके के एग्जाम्स होते हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहिए। तो क्या हम कह सकते हैं कि आज ह्यूमैनिटी के अगर हम पिछले कई साल देख लें तो आज हम बेस्ट टाइम पर खड़े हैं जब सबसे ज़्यादा आज तक की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, हाँ या ना? यस। तो ऐसे में अब जैसे मैं अपना ही एग्जांपल दे देती हूँ, आज तक पहुँचने के लिए ना मुझे टीवी पे ऐड निकालना पड़ा, ना मुझे न्यूज़पेपर पे आर्टिकल निकालना पड़ा, आज इंटरनेट और टेक्नोलॉजी हमें वो पावर देता है कि किसी को एक्चुअली अपने ड्रीम्स परस्यू करने हैं या किसी को एक्चुअली कुछ करना है ज़िंदगी के अंदर, तो उसके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ वी आर द बूमिंग नेशन, एंड हमें दिख रहा है कि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आज की डेट में UPI ही है। We have made fintech the new normal of India, and आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी होंगी एंड जो हमें हेल्प करेंगी और ज़्यादा इम्प्रूव करने में। तो आज की डेट में हमारे पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है कि कोई एक्चुअली अपने ड्रीम्स को परस्यू करना चाहता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, बस हम ही खुद रोक सकते हैं खुद को। तो इसीलिए 10 सेकेंड लगाओ और बचपन से लेकर आज तक आपने जो सबसे बड़ा सपना देखा है, भूल जाओ कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपका जेंडर क्या है, कौन सी लैंग्वेज हम बोलते हैं, कहाँ से हम आ रहे हैं, गांव से आ रहे हैं, शहर से आ रहे हैं, टाउन से आ रहे हैं, ये सोचो कि बचपन से लेकर आज तक आपने सबसे बड़ा क्या सपना देखा है। उस सपने के बीच और आपके बीच में कोई नहीं खड़ा, सिर्फ हम ही खड़े होते हैं। एंड कभी भी ना उस सपने को परस्यू करना, हमें छोड़ना नहीं है उस सपने को, के बारे में हर दिन हमें सोचना होता है, तभी हम एक्चुअली एक दिन अपने ड्रीम्स तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि जिंदगी के अंदर आए हैं तो सिर्फ कॉलेज की क्लासेस अटेंड करने
थोड़ा सा वीकेंड पे पार्टी कर रहे हैं, थोड़ा सा गोवा का ट्रिप मारने थोड़ी आए हैं, एक्चुअली कुछ बड़ा करने आए हैं। हमारे पेरेंट्स ने इतने साल लगाकर हमें यहाँ तक पहुँचाया है, तो उन्हें थोड़ा सा प्राउड करवाने आए हैं, थोड़ा सा गिव बैक करने आए हैं, हमें जो आता है उस माध्यम से किसी की लाइफ में कुछ अच्छा ऐड करने आए हैं। तो अपने सपने जो है ना उनको कभी भी छोड़ना नहीं है, उनके बारे में कोशिश किया करो। अगर एक मिनट भी नहीं दे सकते तो दिन में 10 सेकंड सोचा करो एंड अपने सपने की तरफ थोड़ा सा एफर्ट डाला करो हर दिन, कुछ ना कुछ एक एफर्ट, एक चीज, एक काम ऐड करने का कि आज मैंने ये स्टेप लिया अपने सपने की तरफ बढ़ने के लिए। एंड जिस दिन हम वो करना स्टार्ट कर देंगे ना, उस दिन हम देखेंगे कि हमारी लाइफ वहां जा रही है जहां हमारी एक्सपेक्टेशन थी शुरुआत से ही थी। इनफैक्ट कॉलेज के अंदर नहीं, बचपन में कई लोगों के सपने होते हैं, किसी का होता है प्राइम मिनिस्टर बनना है मुझे, किसी का होता है मुझे राजा बनना है, किसी का होता है मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है। तो इससे भी हो सकता है आपके और बड़े बड़े सपने हो। तो जो भी हुई टाइम एनर्जी एफर्ट अगर कहीं पर लगा रहा है किसी दूसरी चीज पर, तो उसे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और वो हम अगर अपने इनिशियल ईयर्स में थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर देंगे ना, तो मैं गारंटी दे रही हूँ आप सबसे ज्यादा इंजॉय करोगे, क्योंकि वो फैक्ट है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। आप अपने जाके फोर्थ ईयर सीनियर से पूछ लो वो क्या चूज करेंगे अगर वो दोबारा से रिपीट कर पाते अपने फर्स्ट ईयर को, सेकेंड ईयर को, थर्ड ईयर को। तो एंड एक और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं इंट्रोवर्ट्स होते हैं, मैं भी अपने आप को इंट्रोवर्ट ही मानती थी कॉलेज के अंदर, इनफैक्ट अभी भी मानती हूँ, मैं थोड़ा कम ही बात करती हूँ। तो मेरे से एक बार एक सेमिनार में स्टूडेंट ने पूछा था कि दीदी कॉलेज के अंदर दोस्त ही नहीं, मेरा तो कोई ग्रुप ही नहीं है, मैं कैसे हैंग आउट करूँ, मैं कैसे पार्टी करने जाऊँ, मेरी तो कॉलेज लाइफ इतनी बोरिंग हो गई है। तो वैसे तो कॉलेज स्टूडेंट्स को सुनना पसंद नहीं होता, पर कॉलेज के दोस्त परमानेंट नहीं होते। अब इसको हम दोनों तरीके से ले सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि कॉलेज के दोस्त परमानेंट नहीं होते, तो अपने करियर पे ध्यान दे लो क्योंकि वो परमानेंट है 100%। अब जिनको शायद, अब मैं इतनी दूर आपको बुरा फील कराने थोड़ी, जिनको शायद थोड़ा सा बुरा फील हुआ हो, वो इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, क्योंकि कॉलेज के दोस्त परमानेंट नहीं होते, तो जितनी मस्ती करनी है अभी कर, तो आप उस तरीके से भी ले सकते हैं। बाकी जैसे मिस आउट हो गई कि वी हैव स्टार्टेड आर फर्स्ट चैप्टर इन अ कॉलेज एंड दैट फर्स्ट कॉलेज इज LPU itself। तो अपना कॉलेज LPU एंड हम भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो होप करते हैं आपके सपोर्ट का एंड होप करते हैं कि काफ़ी सारी नई चीज़ें आपके साथ उसके अंदर शेयर करेंगे। छोटा सा अनाउंसमेंट था जो कर रहे थे। हाँ, ऊपर से कोई एक सवाल जो जोर से बोलो। अच्छा, लास्ट जो सवाल है उससे पहले एक छोटा सा टोकन है जो हम लेके जाते हैं हर कॉलेज से रिकॉर्ड करके, विच इज़ आर फेमस, तो इसको मैं बोल रही हूँ, विच इज़ आर सेल्फी वीडियो। तो इसमें क्या करते हैं हम, मैं बोलूँगी कि आज हम आए हैं LPU एंड यहाँ हमें मिले बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड आपको क्या करना है, वो जो 10 वाली एनर्जी थी ना जिसमें मैंने नोटिस किया एक महीने सीखी, वो वाली एनर्जी जो है उसको शो करना है। तो हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे एंड वो कंटिन्यूसली शो करनी है एनर्जी, ऐसा नहीं बीच में रुक गए कम एनर्जी देखो, ठीक है। एंड फिर हम क्या करेंगे, ईयर एंड कंपैरिजन दिखाएंगे क्योंकि स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, तो स्टैंड आउट करना चाहिए। हाय एवरीवन, कैसे ये एक बार सारे कैमरा मुंह पे लगा दिए थोड़ा सा। अरे अरे, सब चीजें पहले हो गई, बहुत बढ़िया सर।
तो पहले मैं थोड़ा सा स्टेज खाली करवा दो, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट डिसीजन क्या होता है, तो जिन बच्चों ने पहले सुना होगा, तो लाइफ के दो डिसीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, जिनमें से 8 घंटा हम सो रहे होते हैं, यस और नो? अब जब 25 साल की उम्र हो जाएगी, हम में से हर एक व्यक्ति 8 से 10 घंटे काम करेगा और बचे हुए 6 से 7 घंटे अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करता है, हाँ या ना? तो एक डिसीजन जो इंपॉर्टेंट होता है वो तो है कि आप करियर के अंदर क्या करते हो, और दूसरा डिसीजन ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपका पार्टनर कौन है, अरे हाँ या ना? ये दो डिसीजन हमें स्वयं लेने चाहिए, अगर हम नहीं लेंगे तो कोई और ले लेगा। अरे मैम तो आपकी एकदम साइड में चली गई, अरे आप ही का सेमिनार है तो नहीं आ रहा है। तो एक चीज है, एक मैसेज है जो मैं शेयर करना चाहूंगा कि जो बच्चों को सिखाते हैं, मैं थोड़ा है ना नर्वस हूँ, अरे क्या कैसी बातें कर रहे हैं? मैं प्रिपेयर करके आया हूँ, एक सेकंड याद करने दो मेरे को कि श्रद्धा मैम ने बहुत सारे बच्चों को कोडिंग सिखाई, बहुत सारे बच्चों की प्लेसमेंट लगवाई। आज हम भी एक छोटा सा कोड लिखकर लाए हैं, क्या हमें आपकी लाइफ में प्लेसमेंट मिलेगी? तो पंजाब, दिल्ली से पंजाब, आज यही एक मैसेज कि लाइफ के दो डिसीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला कि हमारा करियर क्या है और दूसरा कि हमारा अब एक इसमें चीज मैं और बताना चाहूंगा मैसेज साथ में कि यहां पर बात करने से पहले श्रद्धा के जो पेरेंट्स हैं वो ऑलरेडी समझ रहे हो, काम पक्का होना चाहिए, सारे लोग ऊपर वाले बैठ जाइए। अरे 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 सुन लो, मैं एक लाइन और याद करके आया हूं, ओम शांति ओम में शाहरुख खान का एक डायलॉग है, वो मैं रट के आया था पर भूल गया हूं, तो जस्ट बताता हूं समरी कि अगर किसी चीज को पूरी
अरे बोलने नहीं दोगे। और फिर इसका मैं एप्लीकेशन बताऊंगा कि अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात कोशिश करती है कि आपको वो चीज मिल रही हो। अब यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन हुई, मतलब कहते हैं ना कि आप क्या विश कर सकते हो और उससे भी ऊपर की चीज हो जाए, कि श्रद्धा के पेरेंट्स उन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया राइट। तो ये और भी अच्छी चीज हो गई कि पहले पेरेंट्स कन्विंस हो गए। श्रद्धा कह रही है कोई मेरे से डेट पूछ लो। अब हमने ऊपर लेवल पे बात पहले कर ली है। आखिर में एंडिंग अच्छी ही होती है, हैप्पी एंडिंग्स। और अगर अभी एंडिंग हैप्पी नहीं है तो पिक्चर अभी बस यार मेरा पंजाब आना सफल हुआ। सेमिनार वेमिनार होते रहेंगे उनमें और इसको तो आज हम आए हैं पंजाब और यहां पर हमें मिले बहुत सारे बच्चे। बहुत स्वाद आ गया यार, अब इस जगह को कैसे बोलेंगे। अरे चलो ठीक है यार, स्टूडेंट स्लैश बरातियों राइट, चलो थैंक यू वेरी मच यार। आपने अच्छा 21st को क्या है अभी 21st को यही थोड़ा 21st को एंगेजमेंट है। और शादी का डेट भी नियर अबाउट 30-45 days के अंदर है, तो वो डेट एकदम कंफर्म नहीं हुई है, बट मार्च अप्रैल मैक्स ठीक है। चलो यार बस बहुत अच्छा लगा भैया, थैंक यू वेरी मच फिर से। थैंक यू सो मच अमन भैया, थैंक यू सो मच हरदा भैया और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।